उससे पहले हम शुरू करें तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम है अशोक। ओके, हमारी लिबर्टी एकेडमी है, उसमें हम लोग टीच करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, धन्यवाद। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लेसन नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे इज एम आर का उपयोग करना। इज एम आर का उपयोग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। ये हमारा लेसन 1 है, तो हम बेसिक इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन। सब्जेक्ट का मतलब होता है पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ही वह लड़के के लिए, शी वह लड़की के लिए, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इट वह वस्तु के लिए, नेम यानी नाम, सिंगुलर यानी एकवचन। आई का मतलब मैं, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, वी मतलब हम, और प्लुरल यानी बहुवचन, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं। अब सेकंड नंबर पे सेंटेंस के अंदर आता है हमारा वर्ब। तो वर्ब यानी क्रिया होती है। ओके, जैसे कि इज एम आर हमारी वर्ब हैं। ओके, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मतलब जो बोल रहा होता है, जैसे कि ही वह लड़का, शी वह लड़की, इट वह वस्तु, नेम नाम, सिंगुलर एकवचन, आई का मतलब मैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। यू मतलब तुम, दे मतलब वे, वी मतलब हम, और प्लुरल यानी बहुवचन, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सेकेंड नंबर पे हमें पढ़ना है वर्ब। वर्ब यानी फर्स्ट लेसन के हम लोग इंग्लिश का बिगिनिंग कर रहे हैं, तो लेसन 1 के हम अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इज एम आर। इज एम आर ये हमारी वर्ब हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो। ओके, तो इज एम आर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है ही शी इट नेम के साथ और सिंगुलर के साथ, इस इन सब्जेक्ट के साथ इसका उपयोग होता है। एम एम का मतलब होता है हूँ, और ये आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आर मतलब है या हो, ये हमारी वर्ब है, और इसका इस्तेमाल होता है यू वी दे और प्लुरल के साथ। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अभी हम सीख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, इज एम आर और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है लेसन नंबर 1 का। ओके, लेसन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग, आगे करते हैं। जैसे कि मैं एक प्रकाशक हूँ, तो प्रकाशक वो होता है जो किताबें वगैरह छापता है। तो मैंने अभी आपको बताया था मैं एक प्रकाशक हूँ, इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आई का मतलब होता है मैं, और मैं एक प्रकाशक हूँ, तो आई के बाद हमें जस्ट वर्ब लगानी है। वर्ब आई के साथ कौन सी आएगी? एम की। तो आई एम, मैं हूँ अ पब्लिशर, एक प्रकाशक। तो ये आपने सीखा मैं एक प्रकाशक, तो कैसे बोलेंगे? आई एम अ पब्लिशर। सेकंड सेंटेंस है वह एक चोर है, तो वह एक चोर है तो लड़का है, यहाँ पर अंदाज़ा मान लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट में होना चाहिए। ओके, तो ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। तो ही यानी वह, और ही के साथ कौन सी वर्ब आएगी? इसकी, अभी अभी आपने पढ़ा। उसके बाद अ थीफ, वह एक चोर है, चोर को वो बोलते हैं इंग्लिश में थीफ। थर्ड सेंटेंस है वह, ब्रैकेट में आपको स्त्री दे दिया, तो इसका मतलब फीमेल की बात हो रही है, लड़की की, महिला की बात होती है। वह एक अध्यापिका है, वह एक स्त्री अध्यापिका है, मतलब ब्रैकेट में आप समझ गए होंगे लड़की है। तो शी इज़ अ टीचर, तो आप देखिए शी इज़ अ टीचर। तो अभी आपने सीखा कि शी लड़के लगे लगता है, और शी के साथ भी इज आएगा। ओके, और राम मेरा भाई है, तो राम नाम हो गया किसी का, राम नाम के साथ आपको लगाना है इज, कोई भी नेम हो उसके साथ इज आएगा। और मेरा भाई है, तो राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। फिफ्थ सेंटेंस है आप, तो आपको बोलेंगे इंग्लिश में यू।
तो आप एक पुस्तक विक्रेता हो, यानी किताब बेचने वाले हो, तो यू आर अ बुक सेलर। सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, छठा, वह वस्तु सुंदर है। तो अब मान लो ना वो लड़का है ना लड़की है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं वह सुंदर है। ठीक है, वस्तु बोल दो या वह सुंदर है, तब भी इतना ही बोल देंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा, मान लो ना लड़का है ना लड़की है, कुछ चीज़ की आप तारीफ कर रहे हो, सुंदर है, वह सुंदर है, यानी इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल, समझ लो। तो ऐसे सेंटेंस है ना आपने, इट्स ऑसम, तो मतलब वह सुंदर है, तो इट्स ब्यूटीफुल। सातवां सेंटेंस है, राम दोस्त है, तो हम दोस्त हैं, तो हम दोस्त हैं, तो वी, हम के लिए क्या आएगा, वी आर फ्रेंड्स, तो हम दोस्त हैं, ज़्यादा है तो एस लग गया, वी आर फ्रेंड्स। वे दुकानदार हैं, ओके, तो वे दुकानदार हैं, तो इसके लिए, वे दुकानदार के लिए दे आर शॉपकीपर्स, तो मतलब कोई सामान बेचने वाले, शॉपकीपर्स, तो वे के लिए दे आ गया। अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिए, अब हम नेगेटिव सीखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नॉट वाले, ये सेंटेंस कैसे बनेंगे जिसमें नॉट आता है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें नॉट आ जाता है। ओके, तो नॉट लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि नॉट कैसे लगेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं देशद्रोही नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ ट्रेटर, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। तो सब में आपको मैंने बता दिया कि सब में आपको नॉट लगा देना है, इज एम आर लगाना है, उसके बाद नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट आता है, तो जस्ट इज एम आर के बगल में आपको नॉट रख देना, कुछ नहीं करना है आपको, इज एम आर पहले सीख लेना है, उसके बाद इज एम आर के बाद नॉट लगा दो, तो वो नेगेटिव यानी नहीं वाला सेंटेंस बन जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह हलवाई नहीं है, तो नहीं आ गया, तो नहीं के लिए नॉट लगा दो बस। ही इज़ नॉट कन्फेक्शनर, तो कन्फेक्शनर हलवाई होता है, तो आपने देखा ही इज़, इतना तो आपको पता था, वह हलवाई है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अ कन्फेक्शनर। अब नहीं लगाना है तो आपको क्या करना है, नॉट लगा देना, किसके बाद, ही शेट नेम के साथ, सिर्फ नॉट लगा देना है। क्लियर, बहुत सिंपल हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भाई चपरासी नहीं है, तो यहाँ नॉट आ गया, तो माई ब्रदर इज़ नॉट, क्योंकि मेरा भाई सिंगुलर एक है, तो माई ब्रदर इज़ नॉट अ प्यून। ठीक है, ये प्यून की आपकी पिक्चर भी आ रही है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आप मंत्री नहीं हो, यू आर नॉट अ मिनिस्टर, तो आप देखिए यू आर नॉट अ मिनिस्टर, आप मंत्री नहीं हो, तो ये नॉट लगा दिया आपने यहाँ पर। सिर्फ आपको इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। उसके बाद वह मोटी नहीं है, शी इज़ नॉट फैट। उसके बाद सिक्स सेंटेंस, वी आर नॉट फ्रेंड्स, तो नॉट लगा दिया आपने। उसके बाद वे पागल नहीं है, दे आर नॉट मैड, नॉट। राम एक राजा नहीं है, राम इज़ नॉट अ किंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, आपको प्रश्न पूछना है, आप क्या मतलब पूछना है, क्या वह पागल है। ओके, तो कोई भी सेंटेंस में क्या आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, वर्ब पहले लगानी है, इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देना, इज एम आर, तो वो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, सवाल बन जाएगा वो। ओके, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि क्या मैं एक आदमी हूँ, तो क्या मैं एक आदमी हूँ, तो इसमें आपको एम पहले लगा देना है, जैसे आपको पता है आई के साथ तो एम ही आता है, तो एम आई अ मैन, क्या मैं एक आदमी हूँ, एम आई अ मैन, जैसे मैं आदमी हूँ, आई एम अ मैन, तो मैं आदमी हूँ, तो आई एम अ मैन। अब इसमें सवाल बनाना है, प्रश्न पूछना है, तो आपको क्या पहले लगा देना है, एम आई अ मैन। अब सेकेंड एग्जाम्पल के, क्या आप एक अफसर हैं, आर यू एन ऑफिसर, तो इसमें इज एम आर की जगह मैं, आपको पता है ना यू के साथ आर आएगा, तो आर पहले लग गया। ऐसी थर्ड है, क्या हम नेता हैं, आर वी लीडर्स, तो वी के साथ आर आता है, तो बस आर पहले लगा देना। क्या वह एक मजदूर है, इज ही अ लेबर, क्या वह लेबर है, मजदूर है। क्या वह एक डॉक्टर है, तो इज शी अ डॉक्टर, इस पहले आ गया, शी के साथ इज आता है, बस पहले लगा देना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इज एम आर पहले ही आएगा इस बार, और हिंदी में आ जाएगा क्या, बस और कुछ नहीं है। आर यू अ डॉग, क्या आप कुत्ते हो, क्या तुम कुत्ते हो। इज दिस अ लैपटॉप, क्या यह लैपटॉप है। एम आई अ हीरो, क्या मैं हीरो हूँ। आर दे फूल्स, क्या वे मूर्ख हैं।
इज कृष्णा क्लेवर, क्या कृष्णा चालाक है, ये हमने सीखा प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछ रहे हो और नहीं भी बोलना है। क्या वह गोरी नहीं है, तो क्या भी आ रहा है इसमें, नहीं भी आ रहा है, प्रश्न भी और नॉट भी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, पहले इज हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बगल में ही क्या लग देना है, नॉट। तो ये सवाल के साथ नहीं भी हो जाएगा। क्या वह गोरी नहीं है, यानी गोरा रंग नहीं है उसका। इज शी नॉट फेयर स्किन्ड, क्या वह गोरी नहीं है। सेकंड, क्या वे शरारती बच्चे नहीं हैं, मतलब शैतान बच्चे, शरारती बच्चे हैं। तो आर दे, फिर उसके बाद जस्ट बगल में सब्जेक्ट के बगल में नॉट, आर दे नॉट नॉटी चिल्ड्रन, क्या आप एक अफसर नहीं हो। आर यू नॉट एन ऑफिसर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। इज शी नॉट अ डॉक्टर, क्या हम दोस्त नहीं हैं। आर वी नॉट लीडर्स, क्या मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। इज मोदी नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बगल में नॉट रखते जाइए, और एक बार दो बार तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएंगे, आपको हमेशा दिमाग में रहेंगे और आप कभी इसकी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आई होप आज की आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।